धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। आकाशीय बिजली गिरने से हुई एक महिला की मौत व पति घायल। मामला प्रयागराज जिले के कृष्णा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा डांडो का है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की हुई दर्दनाक मौत। जहां पर मौत की खबर सुनकर परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामला यह है कि आज दोपहर लगभग समय 12 बजे का था, जब एक औरत अपने जानवरों को लेकर खेतों में चराने के लिए गई थी। तभी उसी वक्त अचानक आसमान का बदलता हुआ नजारा नजर आया, जब आसमानी बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हवा और बारिश के साथ मौसम का परिवर्तन होने लगा। तभी उसी वक्त महिला ने बारिश से बचने के लिए आम के बगीचे के पेड़ के नीचे आ गई थी। तभी उस समय आसमान से अचानक आकाशीय बिजली आम के पेड़ पर आ गिरी। तभी उसकी चपेट में पेड़ के नीचे बैठी महिला आग की चिंगारी उसके सिर पर आ गिरी और उसी दौरान मौके पर ही उसकी मौत हो गई और पास में बैठे महिला के पति चिंगारी से घायल हो गए और वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब यह सब घटना कुछ लोगों द्वारा देखा गया तो आनन फानन में घर के परिजनों को सूचना दिया गया। सूचना पाकर परिजनों ने रोते बिलखते हुए मौके पर पहुंचकर महिला को घर लाया गया और जब इसकी जानकारी परिजनों के द्वारा 112 नंबर पर कॉल किया गया तो ना तो 112 नंबर घर पहुंची और ना ही कोई एम्बुलेंस पहुंची। जब ग्राम प्रधान के द्वारा कानून को और लेखपाल को सूचना दिया गया और सूचना पाकर अधिकारियों द्वारा लिखा पढ़ी किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवारजनों और ग्राम प्रधान के द्वारा एक किराए की पिकअप कर महिला को कर्चना CSC ले जाया गया। प्रयागराज जिले से सुहेल अकरम की खास रिपोर्ट। कानून को लेखपाल द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन ये दिया गया कि लिखा पढ़ी के साथ में बोले कि आपको तुरंत पैसा दिया जाएगा और बाद में कुछ और पैसा दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यशवंत। कौन सा गांव है ये? रामदान। उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई? मैं सभी उच्च अधिकारियों को सूचना दी है और SDM महोदय को दिया। कानून को साहब आए थे, लेखपाल भी आए थे, उन्होंने लिख पढ़ के गए और जो है कार्रवाई के लिए उन्होंने भेजा और हम पोस्टमार्टम के लिए लाश ले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम जैसे भी हो जाएगा हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि इनको कुछ आर्थिक मदद मिले।